नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया N9 में। मैं हूं भावेश पटेल। जिस तरह से राजस्थान के करौली में कांड हुआ है, उससे पूरा देश दहल गया। राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जला दिया गया। इस मामले में पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच मंदिर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक पुजारी बाबूलाल वैष्णव का परिवार मंदिर की 15 बीघा जमीन पर खेती करता था। आरोपी कैलाश शंकर और नमो मीणा ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा निवासी बुकनाथ थाना सपोटरा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये घटना कैसे हो गई और पंडितों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जवाब देना चाहिए। वहीं आपके राज में यह क्या हो रहा है? क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर रहम क्यों की जा रही है? अभी तक दोषी कानून के चंगुल से बाहर क्यों है? इसका जवाब राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। आज मैं आपको वो आवाज सुनाता हूं जिसमें पंडित का दर्द झलक रहा है। यह दर्द उस कानून व्यवस्था को लेकर है जिसकी वजह से आज एक पुजारी की हत्या कर दी गई, लेकिन उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट न्यूज इंडिया A9 पर। पुजारी की निकलती चीख पूरे हिंदुस्तान से सवाल कर रही है। क्या इस देश में पंडित का होना पाप है? क्या इस देश में अपने हक के लिए लड़ना पाप है? और अगर कोई अपने हक के लिए लड़ता भी है तो क्या उसे जिंदा जला दिया जाएगा? हिंदुस्तान की पहचान उस संस्कृति से की जाती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। आज हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इसी विश्व गुरु में अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो आज हिंदुस्तान की कितनी बदनामी होगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि जिस देश में भगवान को पूजा जाता है, जिस देश में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, उसके धुले हुए पैरों का जल भी पिया जाता है। लेकिन अगर उसी पुजारी को जिंदा जला दिया जाएगा, लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया जाए, तो फिर कहां जाएगी हिंदुस्तान की सभ्यता? न बच्चे, न महिलाएं, न पुजारी, न ही पुलिस। पुलिस का मनोबल गिरता जा रहा है। जो सरकार 5 सितारा होटल में रहकर महीनों तक रहती है, वो सिर्फ अपना बचाव कर सकती है, जनता का नहीं। जिस देश की धरती को भारत के प्रधानमंत्री चूमते हैं, अगर उसी धरती पर पुजारियों को जिंदा जला दिया जाए या फिर इस धरती को दागदार बनाया जाए, तो चूमने वाले सवाल खड़े करेंगे कि आखिरकार इस धरती पर इतना बड़ा पाप क्यों किया जा रहा है? ये कैसा हिंदुस्तान है? ये कैसा कानून है जहां पुजारियों को बीच रास्ते पर डंडे से मारा जाता है, जहां पुजारियों को जलती आग में फेंक दिया जाता है, जहां पुजारियों को जिंदा जलाया जाता है? इस देश का कानून इतना कमजोर कैसे हो चुका है जो किसी की रक्षा नहीं कर सकता? कर लिया है, कल रात्रि में, देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। या फिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, क्या भी नहीं, किसी का डर नहीं है? लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन पूरी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? वह जो कानून बनाता है, या फिर वो जो अपराध करता है, या फिर वो जो बेगुनाह है? न्यूज इंडिया N9 ब्यूरो रिपोर्ट।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आए दिन हिंदुस्तान में पुजारियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सरकार इसके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है, क्या कानून बना रही है, या फिर कानून इतना लचीला हो चुका है कि अपराधियों को इसका काफी डर नहीं है, अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि कंगना रनौत को जहां जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है और आम आदमी को आग के हवाले कर दिया जाता है, आखिरकार क्यों क्यों इतना बड़ा भेदभाव सरकार एक आम आदमी के साथ करती है? फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नए मुद्दे के साथ, नई आवाज के साथ फिर आऊंगा। देखते रहिए न्यूज इंडिया A9।